प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे भारत का एक भगोड़ा है जिसका नाम है डॉक्टर जाकिर नायक, जो भारत से भागकर मलेशिया में जाके छुप गया था। अब उसे मलेशिया ने भी लात मार दिया है और उसका नया घर है पाकिस्तान। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाजिया अली खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन और इंटरव्यू, जो कि वो देंगी पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार और यूट्यूबर निमरा अहमद को। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके किसी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। जो श्रीमद् भगवद गीता जो हिंदू पढ़ते हैं वो अपनी इंसानियत कहीं पर भी कैसे भी करके दिखाने की तो पूरी कोशिश करते हैं, चाहे वो किसी भी सिचुएशन में हो, चाहे वो किसी भी हालात में हो। हालांकि निमरा, आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है और पूरी दुनिया को भी पता है कि हिंदुओं के हालात को बद से बदतर कर दिया गया है पाकिस्तान में, लेकिन फिर भी ऐसे दबे कुचले हालात में, ऐसे डरावने हालात में भी एक हिंदू ने डॉक्टर साहब, एक मुसलमान डॉक्टर के शव को लेकर के वो 10 किलोमीटर दौड़ा और मुसलमानों को ये समझाने की कोशिश किया कि ऐसा मत करो इसके साथ और इसको जलाओ मत, इसको दफना दो। लेकिन फिर भी देखो, मुसलमान एक ऐसा प्राणी है, पाकिस्तान का मुसलमान अब इंसान बचा नहीं है, पाकिस्तान का मुसलमान अब ज़ॉम्बीज हो चुका है, एनाकोंडा हो चुका है, मुंह में खून का मजा लग चुका है, या तो तलवार से काटेगा या तो जलाएगा। और ऐसे हालात हम दिन ब दिन पाकिस्तान में बद से बदतर होते हुए देखते चले जा रहे हैं। अब ऐसे सिचुएशन में जहां पर पाकिस्तान इकोनॉमिकल क्राइसिस से गुजर रहा है, फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है और फूड क्राइसिस से गुजर रहा है, एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस से गुजर रहा है, ऐसे सारे क्राइसिस से गुजरने के बावजूद भी उन्होंने जाकिर नायक को वेलकम कहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में लाखों पाकिस्तानी जो एडुकेटेड है, जो बहुत इलीट फैमिली से आते हैं, जो ह्यूमैनिटी का 10% भी आज भी अपने हृदय में रखे हुए हैं, वो जाकिर नायक के आने के बाद वो पाकिस्तान छोड़ने पर ही मजबूर हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जाकिर नायक वो व्यक्ति है जो जहां कदम रखता है वहां आतंक फैलाने का और पुरजोर आतंक फैलाने की कोशिश करता है और इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर फैलाने की कोशिश करता है। तो आप सोचो ना कि इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर जब हमारे भारत में मॉब लिंचिंग हो जाती है, जब हमारे जो संवैधानिक देश है, इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर जब हमारे भारत में गला रेत दिया जाता है, कन्हैया जैसे हजारों केसेस हुए हैं इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर। यही 2023 में लारैब हाशमी, क्योंकि इस्लामिक प्रीचर को सुनता था यूट्यूब पे और उन्होंने क्या किया है, उसने क्या किया, एक बस कंडक्टर का गला रेत दिया, मासूम बस कंडक्टर का गला रेत दिया। तो जब एक संवैधानिक देश में, एक संवैधानिक देश में जब इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर इतने सारे क्राइम हो रहे हैं, तो आपका देश तो इस्लामिक है। और अभी देखिए 10-11 सितंबर को जो दृश्य मेरे सामने आया, हालांकि ये प्रोपेगेंडा मेरे खिलाफ कहां से स्टार्ट हुआ था निमरा, आप मुझे बताइए, मेरे खिलाफ बॉयकॉट का प्रोपेगेंडा कहां से स्टार्ट हुआ था? मैं इंस्टाग्राम भी खोल दी थी ना, इवन मेरी क्लास फेलो की स्टोरी, इंस्टाग्राम स्टोरी पर भी आपके पिक्चर और ऊपर बायकॉट का लोगो लगा होता था। तो ये ट्रेंड काफी चला पाकिस्तान के अंदर, फिर व्हाट्सएप स्टेटस पर भी बहुत से लोगों ने लगाया हुआ था, तो ये ट्रेंड यहाँ पर भी चला है बायकॉट का ट्रेंड। पाकिस्तान के एजेंडे को अंजाम किसने देने की कोशिश की? पश्चिम बंगाल के मुसलमानों ने। मेरी मॉब लिंचिंग कहां हुई, कहां करने की कोशिश की गई? अलीपुर कोर्ट के परिसर में, पश्चिम बंगाल के अलीपुर पुलिस कोर्ट के परिसर में। ट्रेंड कहां चला पाकिस्तान में? बॉयकॉट का एक मुहिम कहां चला पाकिस्तान में? मैंने जो भी स्टेटमेंट दिया वो कहां दिया? उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में। दिल्ली और उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को प्रॉब्लम नहीं हुआ। मैंने महाराष्ट्र में अपना स्टेटमेंट दिया, महाराष्ट्र के मुसलमानों को प्रॉब्लम नहीं हुआ। मैंने इंदौर में अपना स्टेटमेंट दिया, इंदौर के मुसलमानों को प्रॉब्लम नहीं हुआ। मैंने बिहार में अपना स्टेटमेंट दिया, बिहार के मुसलमानों को प्रॉब्लम नहीं हुआ। ये सारे स्टेट के स्टेटमेंट को उठा करके पश्चिम बंगाल के मुसलमानों ने मेरी मॉब लिंचिंग करने की कोशिश की और इतना बड़ा एक मुहिम चलवाया
तो ये मुहिम चलाने में भी तो पैसा लगता है भाई। आप अगर 10 लाख हैंडबिल बांट रहे हो तो उसमें पैसा लगा डिजिटल प्रिंट करके, आप अगर मीटिंग में चल मजलिस कर रहे हो इस्लामिक मजलिस उसमें पैसा लगा, आप अगर चवन्नी अटन्नी किसी को बुलवा रहे हो तो उसमें पैसा लगा, आप अगर मीडिया और यूट्यूब चैनल्स वाले को बुलवा रहे हो उसमें पैसा लगा, आप 10,000 केस मेरे ऊपर ठोक रहे हो उसमें पैसा लगा, उसमें मेरा बेल ना हो उसके लिए 2,000 वकील आप खड़ा कर रहे हो उसमें पैसा लगा, तो ये पैसे आ कहाँ से रहे हैं। एक तरफ भारत से ये पैगाम भेजा जाता है पाकिस्तान को कि भारत के मुसलमान बहुत परेशान है, खाने खाने को नहीं है उनके पास, तो ये भाई हमारे ऊपर 2,000 केस करने का पैसा कहाँ से आ रहा है, हमारे खिलाफ 2,000 वकील खड़ा करने का पैसा कहाँ से आ रहा है आपके पास, हमारे खिलाफ हमारा गला रेतने के लिए और हमारी मॉब लिंचिंग करने के लिए ये तलवारें और ये बंदूकें खरीदने का पैसा कहाँ से आ रहा है आपके पास। तो इसका मतलब है कि पश्चिम बंगाल में कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो पाकिस्तान से मिल करके और पाकिस्तान की फंडिंग पर मेरा गला रेतने की कोशिश किए थे। तो आप सोचिए कि पाकिस्तान की फंडिंग पर और पाकिस्तान के ऑर्डर पर जब इतना बड़ा दृश्य, इतना डरावना दृश्य मेरे साथ भारत जैसे संवैधानिक देश में हो सकता है, तो जाकिर नायक के पाकिस्तान पहुंचने के बाद पाकिस्तान का दृश्य और पाकिस्तान का माहौल और पाकिस्तान में आतंक कितनी ऊंचाई पर पहुंच सकता है, इसको अंदाजा लगा लीजिए अब आप। वैसे मैम पाकिस्तान के अंदर जाकिर नायक को बहुत मानने वाले हैं, इवन मैं अगर अपने घर की बात बताऊं तो काफी पहले जाकिर नायक की स्पीचेस और उनके प्रोग्राम्स काफी ज्यादा देखे जाते थे, लेकिन जिस तरह से आपने बताया कि उनके खिलाफ प्रॉपर सबूत मिले हैं कि उनका टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ रابطہ था, तो मैम उनके बैन होने से पहले ऐसे क्या हालात हो गए थे जाकिर नायक की वजह से इंडिया के अंदर ये बैन करने की नौबत आई, मतलब भारत ने क्या फेस किया जाकिर नायक की वजह से, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है और लोग तो उनका इंटरव्यू लेने के लिए बड़े बेताब है, तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें पाकिस्तानियों तक पहुंचना बहुत जरूरी है, तो ऐसे क्या हालात वहां हो गए थे। देखिए जब तक जाकिर नायक अपनी प्रीच और स्पीच बड़े बड़े मंचों से कर रहा था तब तक किसी को भी कोई आपत्ति नहीं थी, वो कर रहा था, उसके बाद फिर अपने प्रीच और अपने इस्लामिक तकरीर के द्वारा उसने कन्वर्शन स्टार्ट करवाया, वो हिंदुओं को कन्वर्ट करना स्टार्ट करवाया। पहले उसने क्या किया, कुछ फेक लोगों को पैसे दे करके उसने कन्वर्शन को चर्चाए आम पर वो लेकर के आया, उसके बाद फिर हिंदुओं ने सोचा, क्रिश्चियन ने सोचा, अरे वो कर रहा है तो हम भी कर ले, कन्वर्शन का एक बहुत बड़ा मुहिम उसने चला दिया। उसके बाद फिर जब उसका स्कूल और कॉलेज खुला फिर वो भी चलने दिया गया, उसमें भी कोई आपत्ति नहीं की गई, पर जैसे जैसे स्कैम बस्ट होता चला गया, जाकिर नायक के टीम में जो लोग काम करते थे उन्होंने ही बाद में आजिज आकर के और बाद में तंग आकर के उन्होंने जाकिर नायक के सारे राज को खोला कि किस हिसाब से वो अरबों खरबों में पैसे कमा रहा था और इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर नोट छाप रहा था और एक आतंकी माहौल भारत में क्रिएट करने की कोशिश में लगा हुआ था। अगर साल दो साल भारत में जाकिर नायक और रह जाता तो शायद यहाँ पर हिंदू मुस्लिम राइट हो जाता। जाकिर नायक एक ऐसा व्यक्ति है और बहुत सारे इस्लामिक क्लेरिक और प्रेचर जो भारत में है वो नोट छापने के लिए भारत को खत्म करने को तैयार है, खत्म करने को तैयार है। इस्लाम के मानने वाले मौलवी मुल्ला मुफ्ती अपना यूट्यूब चैनल कैसे चला सकते हैं, इस्लाम के मानने वाले मुल्ला मुफ्ती और खारी और मुजाबिर वो फोटो कैसे खिंचवा सकते हैं, इस्लाम के मानने वाले मुल्ला मुफ्ती और मौलवी वो कैसे अनुमति दे सकते हैं मजार परस्ती का, इस्लाम के मानने वाले अल कुरान के मानने वाले मुल्ला मौलवी और मुफ्ती और इस्लामिक प्रीचर वो कैसे अनुमति दे सकते हैं फिरका परस्ती का। तो इसका मतलब है कि इन मुफ्ती मुल्ला मौलवियों के लिए बाप बड़ा ना भैया ना इस्लाम बड़ा, इनके लिए सबसे बड़ा रुपया है। जाकिर नायक का स्कैम बस्ट उनके खुद के टीम के लोगों ने किया है, जाकिर नायक के स्कूल का स्कैम बस्ट जो टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन वो चला रहा था उसके खुद के लोगों ने किया है, आप गूगल पे सर्च कीजिए ना, वो सिर्फ टेररिज्म एक्टिविटीज नहीं करता था, वो अश्लीलता का नंगा नाच भी करता था यहां पर, और यही रीजन है कि भारत ने भगाया।
खतर ने भगाया, उसके बाद अब मलेशिया ने भी उसको भगा दिया। अब सारे कूड़ा करकट गू मूत जो है वो पाकिस्तान अपने कलेजे में समा लेता है, तो जाकिर नायक के लिए सबसे बेस्ट और परफेक्ट जगह है पाकिस्तान। वो वहां बस जाएगा। अब ऐसे भी पाकिस्तान में जो अच्छे लोग हैं वो बेचारे मुर्दे पे ऐसे ही सौमन मिट्टी रहती है, तो एक मुट्ठी मिट्टी और भी सही। अब उनको तो ये भी जाकिर नायक जैसा नया पालतू कुत्ता भी बर्दाश्त करना ही पड़ेगा आपको। लेकिन खुश जाकिर नायक और ठंडी हवा का सांस अब जाकिर नायक पाकिस्तान में सही से ले सकेगा, क्योंकि चोर चोर मुसेरा भाई होता है ना, चोरों के भीड़ में अगर एक शिक्षित आदमी आ जाएगा तो वो तो सिखाएगा कि भाई तुम ये सब ना करो। अब जहां जिस पाकिस्तान अगर भारत की बात करूं तो मैंने हर सेक्टर में ही मुस्लिम्स को देखा है कि हिंदुओं के साथ साथ काम कर रहे हैं, और मुझे इतना कोई कॉन्फ्लिक्ट वहां पर आज तक इस तरह से नजर नहीं आया। जैसे मैं पाकिस्तान में अक्सर केसेस पढ़ती हूं कि माइनॉरिटी में ये हो गया तो ये इल्जाम लगाकर इसको मार दिया गया, तो इस तरह के केसेस मुझे इतने भारत में नहीं नजर आए, एक ब्रदरहुड नजर आया है। तो मैम, जाकिर नायक ने जो कन्वर्जन करवाई थी वो फोर्स कन्वर्जन थी नहीं, वो ऐसा माहौल क्रिएट करता था। पहले तो वो फेक लोगों का कन्वर्शन करवाता था जिसको वो पैसे पेमेंट करता था, जो उसकी टीम ने खुद स्कैम किया। अब उसके एक मैसेज गया कि अरे उस फलाना हिंदू ने कन्वर्ट कर लिया, फलाना क्रिश्चियन ने कन्वर्ट कर लिया। हालांकि वो फेक लोग होते थे, वो मुसलमान ही होते थे, पर वो अपना नाम फेक हिंदू या क्रिश्चियन का बताते थे। अच्छा, और सवाल भी उसी तरह के करते होंगे। सवाल तो मतलब सब पढ़ा हुआ रहता था, सब पढ़ा, सब सिखाया हुआ, स्क्रिप्टेड रहता था। और ये जाकिर नायक की टीम ने ही बस्ट किया है। अब जाकिर नायक स्पीच टीम बस्ट स्कैम जो है, आप गूगल पे सर्च कीजिए, वो निकल जाएगा। उसकी टीम ही बस्ट कर रही है सारे उसके स्कैम बाजियों को। उसके बाद फिर एक ने देखा, दूसरे ने देखा, तीसरे ने देखा, सबने देखा, सब सोच रहे कि भाई वो हिंदू तो इस्लाम कबूल कर रहा है, चलो हम भी कर लेते हैं, वो हिंदू इस्लाम कबूल कर रहा है, चलो हम भी कर लेते हैं। तो इस तरीके से उसने एक स्कैम स्टार्ट किया था। बाद में जब भारत के लोगों को समझ में आया कि अरे ये तो हम लोगों को चू बनाकर निकल गया, तो फिर से सब अपने अपने धर्म में प्रश्नताप करके फिर अपने अपने धर्म में वो कन्वर्ट हुए। उन्होंने प्रश्नताप किया, उन्होंने गंगा स्नान किया, और तब जा करके फिर से वो अपने धर्म में वापस आए। आप सोचो कि कितना बड़ा खुराफाती आदमी है ये जाकिर नायक, जो मौलाना मास्टर भीषण को हलाल बोलता है, जो मौलाना औरत को कहता है कि वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाएगी अगर वो एक मर्द से चार लड़कियां शादी ना करेंगी। वो कितना अश्लील होगा, वो कितना बदतमीज होगा, वो कितना बेहुदा होगा, इसका अंदाजा तो आप उसकी शब्दावली से ही निकाल लीजिए। बिल्कुल सही। मैं दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और हमेशा की तरह नाजी लाई खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा, और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी जबरदस्त, मजेदार और नॉलेजेबल वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।